हाय फ्रेंड, स्वामी ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये BMW 3 सीरीज़ है और इसमें क्या हो रहा है, 320D मॉडल है ये गाड़ी का। इसका जो है कूलेंट का लाइट आ रहा था मीटर में और इसका कूलेंट भी लीकेज हो रहा था, तो कूलेंट पेट्रोल पंप पे भराया था। भराने के बाद फिर वापस से लीकेज हो गया, तो फिर AC बंद करके गाड़ी को लाना पड़ा। तो अभी दिखाता हूँ इसमें कौन सा लाइट आ रहा था। तो इसमें जो है कूलेंट टॉपअप का लाइट आ रहा था, कूलेंट टॉपअप का सर्विस लाइट। तो चेक किया तो इसमें कूलेंट ख़त्म हो चुका था, तो कूलेंट इसमें भरा। कूलेंट भरने के बाद वापस से लीक हो रहा है, तो इसको बताते हैं कहाँ से लीकेज हो रहा है ये और ये कूलेंट का लाइट क्यों आ रहा था। तो देखते हैं इसको, अभी बोनट ओपन है तो बोनट ओपन का बता रहा है। जैसे ही कूलेंट लीकेज हो रहा था तो कूलेंट टॉपअप का इसमें लाइट आ रहा था। तो अभी इसका स्विच ऑन करता हूँ मैं। स्विच ऑन किया तो देख सकते हैं इग्निशन स्विच ऑन होके लिख कर आ गया इस पर, और सर्विस ड्यू चलो वो तो हो जाएगा। और टॉप ऑफ द कूलेंट, ये इसमें लाइट आ रहा था टॉप ऑफ द, अभी तो बोनट ओपन है फिलहाल। टॉप ऑफ द कूलेंट का लाइट आ रहा था इसमें। और इसमें भी व्हीकल इंफॉर्मेशन में जाएंगे यहाँ पर, तो भी उसमें कूलेंट का लाइट सर्विस बाय फीचर्स, तो देख सकते हैं इसमें दो फॉल्ट आ रहे हैं। इसमें बोनट ओपन का दिखा रहा है और एक टॉप ऑफ द कूलेंट का लाइट आ रहा है। तो बोनट ओपन, तो बोनट खुला है इसके लिए आ रहा है, बोनट बंद कर देंगे वो चला जाएगा। लेकिन टॉप ऑफ द कूलेंट का जो फॉल्ट आ रहा है, तो ये कूलेंट उसमें लीक हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये टॉप ऑफ द कूलेंट का लाइट इसमें आ रहा है। तो अभी चेक करेंगे इसका कूलेंट कहाँ से लीकेज हो रहा है, तो चेक करते हैं आके। तो देख सकते हैं अभी तो फ़िलहाल इसमें पानी डाल के चेक कर रहे हैं कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। रुक जाओ, तो चेक करते हैं कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से कूलेंट लीकेज हो रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है कूलेंट, और बहुत तेज़ लीकेज हो रहा है, ड्रॉप करके बहुत फास्ट ड्रॉप में लीकेज हो रहा है। तो ये जो लीकेज हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से चेक करना पड़ेगा ऊपर कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो इधर से हो रहा है लीकेज, तो इधर इसका ऑयल कूलर लगता है, यहाँ पर ऑयल कूलर लगता है, इधर इसका एल्युमिनियम का रहता है, इसमें ऑयल और पानी दोनों रहता है। तो अभी इसको पहले निकालेंगे, इसको निकाल के थोड़ा जगह करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। ये बोल्ट खोलो, ये दो बोल्ट आते हैं इसमें, ये दो बोल्ट खोलो, खोल करके इसको ऊपर निकालो। तो देख सकते हैं इसके दोनों बोल्ट खोल दिए हैं, अभी इसको ऊपर निकालेंगे। ये प्रेस रहता है, थोड़ा इसको ऊपर उठाओ, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर उठा के रखो इसको, ऑयल कूलर देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे पकड़ो बस बस। तो देख सकते हैं ये इसका ऑयल कूलर है, ये पूरा पीछे से आगे तक ऑयल कूलर रहता है ये। तो अभी इसमें जो लीकेज दिख रहा है, तो एक मिनट फ्लैश ऑन करता हूँ। तो इसका देखते हैं कूलेंट कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो इसका ऑयल कूलर के पास से लीकेज हो रहा था कूलेंट, ये यहाँ से देख सकते हैं गिर रहा है कूलेंट, यहाँ से गिर रहा है। अभी ऊपर चेक करते हैं कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से ड्रॉप ये नीचे गिर रहा है। तो अभी ऊपर देखेंगे तो ये इसमें कूलेंट का पाइप है, वो पाइप से रेडिएटर का जो पाइप है वहाँ से आ रहा है लीकेज कूलेंट का। तो उसमें एक ओरिंग आता है कूलेंट के पाइप में, वो ओरिंग अगर ख़राब हो जाता है तो भी पाइप से लीकेज होने लगता है। तो पाइप निकाल करके चेक करेंगे उसको, और पाइप का ओरिंग चेक करेंगे, ओरिंग ख़राब रहेगा तो ओरिंग उसका चेंज कर देंगे। और पाइप का ओरिंग चेंज करने के बाद फिर इसका चेक करेंगे लीकेज, अगर वापस से भी लीकेज हुआ तो फिर इसका ऑयल कूलर बाहर निकालेंगे, ऑयल कूलर इसका खोलेंगे। तो अभी देखते हैं बराबर, ये पाइप से ही हो रहा है पहले, तो पाइप निकालेंगे अब इसका।
और ये मतलब बहुत तेज़ तेज़ हो रहा है, जैसे ही पानी डालते हैं इसमें तुरंत पानी लीकेज हो जाता है और अंदर कूलेंट टॉपअप का लाइट आने लगता है, मतलब लगातार लीकेज हो रहा है। तो अभी इसका पाइप निकालेंगे बाहर, ये देख सकते हैं पाइप निकाल दिया इसका। तो ये पाइप में इसके ओरिंग आता है, ब्लैक कलर का गोल ओरिंग रहता है, ये इसके अंदर ओरिंग है। ये ओरिंग निकाल के इसको चेंज कर देंगे। ये ओरिंग चेंज करने के बाद लगा के चेक करेंगे वापस, अगर वहाँ से फिर लीकेज नहीं होएगा तो उसको फिटिंग कर देंगे। तो इसका ऑयल कूलर खोल रहे हैं, ऑयल कूलर से इसका कूलेंट लीकेज हो रहा था। पाइप का ओरिंग लगाने के बाद भी वो कूलेंट बंद नहीं हुआ, तो इसका ऑयल कूलर खोल रहे हैं। ऑयल कूलर खोलने के लिए इसका ये यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स आता है, इसमें ईसीएम रहता है, ईसीएम बॉक्स आता है, वो निकाल दिया है। ये इसका वायरिंग है, इसका सॉकेट है, ये इसके वायरिंग लूम है, ये निकालना पड़ा क्योंकि इधर जगह बहुत कम रहती है, तो ये निकालने के बाद थोड़ी जगह हो जाती है। तो अभी देख सकते हैं इसको खोल रहे हैं, साइड में 10 नंबर के बोल्ट रहते हैं इसके, 5 बोल्ट रहते हैं, 6 बोल्ट रहते हैं, दो इधर और ऊपर नीचे। तो वो देख सकते हैं ये लूज़ हो चुका है, एक बोल्ट बाकी है, बाकी खोल दिया है। और ये नीचे का ये पाइप निकालना पड़ता है, ये ट्रांसमिशन में जाता है, ऑयल का पाइप रहता है ये। और तो अभी खोल के इसको निकालेंगे, निकाल के दिखाते हैं इसको। देख सकते हैं इसका ऑयल कूलर खोल दिया है, ये इसका ऑयल कूलर है पूरा कंप्लीट, इसको खोल दिया है। ये इसका ऑयल कूलर है, ये ऑयल का लाइन है, ये पानी का लाइन है, इसका दोनों लाइन अलग अलग होल में रहता है। इसका ऑयल कूलर खोल दिया है, ऑयल कूलर इसका दिखाते हैं। ये इसका ऑयल कूलर है, ये लीकेज जो हो रहा था इसका कूलेंट यहाँ से हो रहा था, इसका पैकिंग जो है ये ख़राब हो गया है, ये पैकिंग यहाँ से देख सकते हैं ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से लीकेज हो जा रहा था। तो इसके लिए ये इसका नया पैकिंग मंगाया है, ये नया पैकिंग इसमें लगाएंगे और इसको चेंज करेंगे नया पैकिंग। ये इसका न्यू पैकिंग है, तो अभी इसको नया पैकिंग लगा के इसको इसमें फिटिंग करेंगे ऑयल कूलर। तो देख सकते हैं इसका ऑयल कूलर फिटिंग हो चुका है, फिटिंग कर दिया इसका ऑयल कूलर। और इसका ये वाला पाइप है, ये भी चेंज हुआ है, ऊपर का कूलेंट प्लेन बोलते हैं इसको, ये भी चेंज हुआ है। और इसको खोलने के लिए मैनिफोल्ड खोलना पड़ता है पूरा, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला बोल्ट है ये मैनिफोल्ड के नीचे रहता है, खुलता नहीं, तो मैनिफोल्ड खोलना पड़ा इसका। मैनिफोल्ड खोल करके ये चेंज किया इसका, तो अभी इसका मैनिफोल्ड फिटिंग करेंगे। मैनिफोल्ड थोड़ा गंदा कार्बन आ गया था उसमें, तो वो भी क्लीन हो गया इसके साथ साथ, तो अभी इसको फिटिंग करेंगे मैनिफोल्ड को। ऑयल कूलर फिटिंग हो चुका है और इसका ऑयल कूलर से लीकेज कूलेंट का बंद हो चुका है। देख सकते हैं ये इसका जूना पैकिंग है, पुराना पैकिंग, और ये इसमें नया पैकिंग फिटिंग हो चुका है। तो अभी इसको ऑयल कूलर को गाड़ी में फिट करेंगे, गाड़ी में फिट करने जा रहे हैं अभी इसको। अभी इसका मैनिफोल्ड फिटिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप, मैनिफोल्ड फिटिंग हो गया। अभी इसका फ्यूज़ बॉक्स, ये ईसीएम का बॉक्स फिटिंग कर रहे हैं, ईसीएम का बॉक्स फिटिंग करेंगे, इसका सारा वायरिंग लगाएंगे, ये वायरिंग जो निकाला था ये पूरा सब इसमें फिटिंग करेंगे। इतना भी है फिटिंग करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे।
बंद नहीं हुई, देख सकते हैं सब इसका वायरिंग लगा दिया है और इसका बॉक्स फिटिंग कर देंगे और इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। कुछ कर देगा, देख सकते हैं सारा फिटिंग हो गया है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे, इसमें पानी डाल दिया है, अभी फ़िलहाल पानी डाल दिया है, पानी पूरा फुल कर दिया है, कूलेंट बाद में डालेंगे स्टार्ट करने के थोड़ी देर के बाद, जब इसको पूरा प्रॉपर चेक हो जाएगा उसके बाद कूलेंट इसमें डालेंगे। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो देख सकते हैं गाड़ी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो गई गाड़ी, अभी इसमें चेक करेंगे। स्टार्ट करके इसको 5-10 मिनट गाड़ी को चेक करेंगे, फिर इसमें कूलेंट डाल देंगे। इसमें ब्लू कूलेंट डालते हैं, ग्रीन कूलेंट नहीं आता, इसमें ब्लू कूलेंट डाल